बाहर वाला सो गया है, पता नहीं आज निकाल पाएगा कि नहीं। धीरे हौले हौले। ओ भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्या ही व्यू आ रहे हैं भाई। 100 के आसपास होगा सीढ़ी, ज्यादा नहीं है। कहाँ जाके बैठे हुए भाई लोग स्नान कर रहे हैं। बड़ियनों के लिए पत्थर है यहाँ पे, जूते जरूर पहन के आइएगा। से एक नज़ारा देखो आप लोग, उधर भी वाटरफॉल बन रहा है यार, मतलब कि जगह जगह पे वाटरफॉल। काफ़ी सारे फैमिली है जो यहाँ पे खाना पीना भी कर रहे हैं। वाह एक नंबर आबाद है। हे गाइस वेलकम बैक ब्लॉग ट्रॉल पे, तो फिर से सभी का स्वागत है। गाइस अभी मैं हूँ मड़वा महल पे, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं रानी झरना के लिए। यहाँ से देखते कितना किलोमीटर। तो अभी हम निकल गए हैं मड़वा महल से रानी झरना के लिए। वेदर देखो, अचानक से वेदर चेंज हो गया भाई। वहाँ पे लग रहा है बारिश हो रही होगी छींटे वाली, यहाँ भी स्टार्ट हो गई। बोला ही हूँ यहाँ भी स्टार्ट होगी छींटे वाली बारिश। ज्यादा बारिश होगा ना तो अपन फिर गोप्रो अंदर कर देंगे भाई, क्योंकि हमारा जो गोप्रो है वो वाटर प्रूफ नहीं है अभी। ये देखो यहाँ भी अच्छा खासा माहौल है। आंटी पुल से जाने के बोलो ना। हाँ यहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग भोरमदेव मंदिर के लिए। हाँ ये मुख्य द्वार है, हम लोग पीछे साइड से चले गए थे। ये देखो द्वार बने हुए हैं। ये रास्ता लेके जाएगी अपने को चिल्फी घाटी रानी झरना के लिए। ये कार वाला सो गया है, पता नहीं आज निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। बंजारी 6 किलोमीटर है। ये देखो शायद आ गया। हाँ ये है वॉच टावर, यहाँ अपन भी चलते हैं भाई, दिखलाते हैं आप सभी को। चढ़ रहे हैं ऊपर और चले अपन, देख रहे हो कितने सारे लोग। बाप रे, तो अपन थोड़ा व्यू दिखाएंगे ऊपर से आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जर्जर हालत में है भाई, कभी भी भसक सकती है ये। सब रुक रहे हैं यहीं पे लेकिन व्यू देखने के लिए। क्या हो गया? हो गया भाई। तो ये देखो गाइस यहाँ का नज़ारा पूरा हरा भरा, काफी शानदार सा दृश्य है। पूरे पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और ये है रोड जो चिल्फी घाटी लेके जाती है रानी झरना के लिए भी। चले तो हमारे मित्र, हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम भाई? यही के हैं? अच्छा कवर्धा से हैं। आपका वीडियो देखा ना भैया? अच्छा अरे धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं व्यू पॉइंट से। हम लोग पहले ना ढाबा में रुके जलपान करेंगे, उसके बाद फिर रानी झरना के लिए आगे बढ़ेंगे। आप भी आ सकते हैं, पूरी फैमिली यहीं पे रुकी हुई है। जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे ना सब यहीं पे रुक रहे हैं। ये देखो हॉर्न दे देता हूँ भाई, कार वार भी आती रहती है। कवर्धा में भाई एक से एक जगह है भाई घूमने योग्य। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे। ये देखो ये हाईवे है। अभी हम लोग हाईवे से आते ना तो बहुत घूम कर जाना पड़ता। ये सामने में है ढाबा, यहीं पे अपन कुछ खाना पीना करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे रानी झरना के लिए। माँ बंजारी फैमिली रेस्टोरेंट से करके लिखो। पहले ढाबे पे रुके हैं हम लोग खाना खाने के। हम लोग सोचे थे कि बना कर खाएंगे भाई, समय इतना हो गया कि बनाने के लिए समय ही नहीं है अपने पास में। पूरा सामान लेके आया हो फिलहाल। भाई लोग बैठे हुए हैं खाने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना है, अगर सीधा जाएंगे तो कवर्धा सिटी निकल जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग घूम के वापस भी जा रहे हैं रानी झरना। ये देखो लिखा 7 किलोमीटर लिखा हुआ है। एक पुलिया मिलेगा बंजारी नाला करके लिखा हुआ है। यहाँ भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन लोकेशन तो भाई एक तरफा है यार। ये देखो पिछले बार अच्छा हाँ सावन के बाद आएंगे पार्टी करेंगे। हाँ यहीं पर आएंगे ना। जगह का नाम है रानी झरना, वो रत्ना रानी धारा है। ओ भाई क्या बात है यार, एक नंबर। ज़्यादा बारिश होगा तो उसके ऊपर से पानी जाएगा पुलिया के ऊपर से। तो ये है गांव रानी धारा, इसी गांव के नाम पे पड़ा हुआ है। देख रहे हो वहाँ पे अच्छे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, पूरा जंगल झाड़ी एरिया है भाई। सूरत जगह पे गाँव वाले लोग रहते हैं, घर भी देख लो बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं।
मस्ता मार के रखे हुए भाई साहब लोग। यहाँ से कच्ची सड़कें चालू हो चुकी है, पथरीला वाला रास्ता है, ये दुकानें भी खुल गई है और अपने को यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। ओ भाई क्या रोड है रे बाबा, अभी तक बना नहीं है, मैं सोचा बन गया होगा करके, दो साल हो गए, ऐसी की वैसी है रोड। देखो भाई साहब कहाँ से आ रहा भाई ये पानी, हाय छोटो जयराम बोल लगा सा जूते में पानी चले गया यार, सेट मैन जूते में पानी चल गया यार, संगवारी काला बतावे दुख दर्द ला, किसको किसको सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, रानी झरना पे आ जाइए इतने सारे यहाँ पे गाड़ियाँ, बाप रे मेरे को तो नहीं लग रहा है निकल पाएगी। निकल जाएगी आराम से, आराम से लेके जाएंगे। तो गाइस अब हम अपनी बाइक लेके जा रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले। ओ भाई अच्छा खास पानी बह रही है भाई, प्रो राइडर अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने वाले हम लोग झरने के पास में, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, सब पिकनिक मना रहे हैं इस साइड में, और लोकेशन चेकआउट करो आप लोग, एक नंबर बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ। लेकिन हम फाइनली पहुंच चुके हैं रानी धारा वाटरफॉल के पास में, काफी हद तक यहाँ पे क्राउड भी, हमने कुछ सीढ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, देखते हैं कितना सीढ़ी यहाँ पे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्या ही व्यू आ रहे हैं भाई गजब का, यहाँ पे मंदिर भी है, नज़ारे तो भाई एक तरफा यार, जहाँ देखो वहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं, काफी शानदार सा दृश्य है, अच्छा खासा सीढ़ी है भाई, 50-60 बता रहा था कुणाल भाई, लेकिन 50 से ज्यादा ही है, मैं नहीं बताया भाई, आ चुके हो क्या, मेरी पहली बार है, पहली बार है, अपन खाना पीना भी कर लिए हैं और अभी चढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसी हालत टाइट हो जा रहा है। तो गाइस यहाँ से सीढ़ी जो है ख़त्म हो जाती है, ये देखो भाई लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे विश्राम कक्ष बना हुआ है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। थक गए संतू भाई, थक गया है, सबसे लास्ट में कौन है संतू, खत्म बात, यूट्यूबर भाई लोग देखो यहाँ पे सीढ़ी खत्म हो चुकी है, सीढ़ी भी होगी लगभग 100 के आसपास होगा, सीढ़ी ज़्यादा नहीं है, सब लोग बनाने वाले लोग हैं हम लोग, ये देखो हेलो। तो गाइस अपने को भी वाटरफॉल की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, थोड़ा सा और सीढ़ी अपने को चढ़ाई करना पड़ेगा, जो बंदे लोग गए हुए भाई स्नान करने के लिए, तो देखते हैं नीचे जाने का रास्ता होगा तो चलेंगे, रास्ता होगा तभी तो भी गए हैं, यहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं, अच्छा खासा नज़ारा देखो, काफ़ी सारे फैमिली आए हुई है घूमने के लिए, और यहाँ से अपने को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करना है, फिर वाटरफॉल अपने को देखने को मिलेगा, नीचे का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ आप सभी को, देखो भाई लोग कहाँ जा के बैठे हुए भाई लोग स्नान कर रहे हैं, बढ़िया सा बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, अभी तो आप लोगों को मैं जूम करके दिखला रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल के लिए, कुछ सीढ़ी आगे अपने को और चढ़ना है, फिर वाटरफॉल देखने को मिलेगा, इधर भी देखो पानी अच्छा खासा दिख रहा है भाई, दूध के जैसे दिख रहा है पानी, तो आगे बढ़ रहे हैं हम वाटरफॉल के लिए, देख रहे थोड़ा सा रिक्सी है ये, यहाँ पे गेड़ा मारे नहीं है भाई, गेड़ा मार देना चाहिए था यार, ये देखो भाई आगे में है वाटरफॉल, तो देख रहे पत्थर इतने नोकीले नोकीले पत्थर यहाँ पे, जूते जरूर पहन के आइएगा, तो यहाँ पे कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ बैठ के फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, बढ़िया सा वाटरफॉल जो है आगे साइड में ही है, अभी अपने को ये पत्थर वाला जो रूट है क्रॉस करके आगे बढ़ना है, देखो किस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं, और नोकीले पत्थर है भाई, भाई जैसे तैसे अपन आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल के लिए। अरे वाह क्या बात है भाई, यहाँ पे तो लोग पिकनिक मना रहे हैं, और ये देखो पानी, ये नीचे में एक वाटरफॉल बन रहा है और ऊपर में भी वाटरफॉल बन रहा है, अभी दो वाटरफॉल बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं नज़ारे का लुक उठाते हुए, कि हम लोग यहाँ से आए हुए हैं गाइस, और नीचे जाने का भी रास्ता है, देखते हैं अगर जाने का मन कर गया तो नीचे भी चलेंगे, फिलहाल यहाँ से एक नज़ारा देखो आप लोग।
तो जो वाटरफॉल है आगे साइड में है, तो आगे बढ़ते हैं आप लोगों को वाटरफॉल दिखाने के लिए। और भाई जो रूट है पूरा पत्थर वाली रूट है, ये देख लो, काफ़ी सारे फैमिली आए हुए हैं। लेकिन भाई ये देखो, भाई लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। उधर भी वाटरफॉल बन रहा है यार, मतलब कि जगह जगह पे वाटरफॉल बन रहा है यहाँ पे तो। और पानी जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अच्छा खासा पानी है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है लेकिन भाई एक नंबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ आप सभी को वाटरफॉल का। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो यहाँ भी एक क्रॉस करके अपन जाएंगे, वहाँ से नज़ारा देखेंगे। छोटी छोटी गुड़िया लोग है, गजब का दिख रहा भाई, अच्छा खासा साफ है पानी। गुड़िया लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, काफ़ी शानदार सा दृश्य है। पत्थर जो है काफ़ी नोकीले पत्थर है, तो संभल कर आइएगा यहाँ पे, क्योंकि अनबैलेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी जो वाटरफॉल है काफ़ी खूबसूरत सा वाटरफॉल है, यहाँ पे दो तीन वाटरफॉल बन जा रहे हैं, एक नीचे साइड में ये हो गया, एक उस साइड में हो गया। झरना देखो यार, क्या साफ पानी आ रहा है, एक नंबर। देख रहे हो कितने ऊपर से आ रही पानी, पता नहीं ऊपर में भी वाटरफॉल बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे फैमिली है जो यहाँ पे खाना पीना भी कर रहे हैं। ये जगह आपके लिए है, आप भी आ सकते हैं। बाई रूट आप लोगों को मैं बतलाते हुए आया हूँ। और छोटे छोटे गुड्डी गुड़िया लोग हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बढ़िया सर भाई, मस्त लोकेशन है यार, जगह जगह पे पानी बह रहा है, पानी अच्छा खासा साफ है। और उस साइड में भी वाटरफॉल बनता है, उस साइड तो मैं नहीं जाने वाला। बाकी पूरा नज़ारा आप लोगों को मैं घूम के दिखला रहा हूँ, बहुत प्यारा लोकेशन है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा दिखला रहा था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वाटरफॉल को पास से देखते हैं। यहाँ पे कपल्स लोग, हाँ जगह मिल जा रहा, वहीं से जा रहे हैं भाई। वाह एक नंबर आबाद है, यहाँ से तो और ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है, लेकिन पूरा वाटरफॉल नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो धारा बह रही है ना, ये काफ़ी शानदार है। यहाँ पे पत्थर है, काफ़ी नोकीले नोकीले पत्थर है। यहाँ पे भाई लोग सब स्नान करते हुए, यहाँ से नज़ारा देखता हूँ मैं। ओ भाई क्या बात है, एक नंबर। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या बचा रह गया वो देखते हैं। गाइस तो यहाँ से नज़ारे देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे अधिकतर लोगों का भीड़ है, पानी भी अच्छा खासा बह रही है। यहाँ पे छोटे छोटे गुड़िया लोग स्नान कर रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ पे फैमिली लोग के लिए सही है ये जगह, बाकी लोकेशन देख ही रहे हो आप लोग, बहुत प्यारा है। और इसी तरह से लोग भी है भाई, भाई देख रहे हो कुछ लोग कहाँ पे जाके बैठे हुए हैं यार, इतना रिक्स लेते हैं वाटरफॉल के लिए। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी वक्त हो चुका है, 4 बज गए हैं, फिर भी लोग आ ही रहे हैं भाई वाटरफॉल में। जाते जाते एक बार फिर से नज़ारा दिखाता हूँ आप सभी को, मेरे को यहाँ से नज़ारा देखो। तो देखो यहाँ से लोग झांक रहे हैं भाई, भाई यहाँ पे अच्छा खासा वाटरफॉल बन रहा है भाई, दो दो तीन तीन चार चार वाटरफॉल बन जा रहे हैं, काफ़ी देख रहे हो गाइस। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे। नहीं बोलना चाहिए क्या, बार बार वही सब्सक्राइब करो, वेलकम करो, ये करो वो करो, इधर वीडियो स्टार्ट करो। सही बात है, देख रहे हो संतू भाई बोल रहे हैं कि कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है।